लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अमेरिका के हवाई द्वीप में किलुआ ज्वालामुखी के फटने के कुछ दिनों बाद आसमान से बेशकीमती रत्न बरस रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यहां कुछ दिनों से ओलिवाइंस नामक रत्न सड़क से लेकर बीच तक पाया जा रहा है। ये हरे रंग का जेम मैग्नीशियम से बनता है और बेहद कीमती भी होता है। इससे रिंग्स, पेंडेंट जैसी ज्वेलरी भी तैयार की जाती है। ज्वालामुखी के धमाके के साथ ये बेशकीमती चीज भी हवा में राख के साथ फैली थी, जो अब बारीक कणों के साथ बरसी है। इस बेशकीमती चीज के बरसने की बात पता चलते ही लोग अब इसे बटोरने में लगे हुए हैं। कुछ लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि उनकी छतों पर ओलिवाइंस बरसा है। कुछ लोगों ने इसके फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओलिवाइंस के एक कैरेट की कीमत $500 तक हो सकती है। भूवैज्ञानिक शेरिल गेनेस्की ने कहा, ये आमतौर पर ठंडे लावा या ज्वालामुखी के आसपास ही पाया जाता है। हो सकता है कि धमाके के बाद ये पूरे शहर में फैल गया हो। आपको बता दें कि किलुआ में हुए धमाके से हवाई द्वीप पर हजारों घर तबाह हो गए हैं। एक पावर प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, साथ ही एक मीठे का पानी झील सूख चुका है। लावा ने हाईवे को भी तबाह कर दिया है। लावा के साथ जहरीली गैसें निकल रही हैं।